मुझे साफ साफ बताइए ये अप्सरा है कौन? अरे भाई बोला तो सही, मेरी अप्सरा तू ही है। और कितनी तारीफ करवाएगी मेरे मुँह से अपनी? देखिए मुझे अभी मेरी तारीफ करवाने में कोई रस नहीं है। वो अप्सरा कौन है बताइए? बार बार आपके लिए उसके फोन आ रहे हैं। पहले तो वहाँ आया और फिर तो यहाँ आया। अच्छा, वाह, लगता है ये मोबाइल कंपनी का टावर बहुत जबरदस्त है, स्वर्ग तक सिग्नल पहुंच रहे। स्वर्ग से अप्सरा फोन कर रही है मुझे, वाह। देखिए टप्पू के पापा, ये मजाक का वक्त नहीं है। सच सच बताइए क्या हुआ है? क्योंकि एक बार नहीं, दो बार उसके फोन आए। अरे कोई रॉन्ग नंबर होगा दया। नहीं, रॉन्ग नंबर होता तो आपका नाम लेकर क्यों बात करती? अब मैं किसी अप्सरा को नहीं जानता हूँ। पर उसकी बात पर से तो ऐसा लग रहा था कि आप उसे सालों से जानते हैं। वो बार बार आपका ही नाम लेकर कह रही थी, उनसे बात करो ही ना, उनसे बात करो ही ना। वो मुझे मेरे नाम से जानती है? हाँ। कौन है ये अप्सरा? अरे मुझे क्या पता, आप पता ही है। मुझे नहीं पता भाई। बनिए मत, वो मुझे कह रही थी कि आपसे कोई जरूरी काम है। अच्छा, क्या क्या जरूरी काम है? जोयू, रस पढ़ो ने। अरे रस पढ़ने की बात नहीं है, तूने बोला कोई जरूरी काम है तो साजिकता से मेरे मुंह से निकल गया क्या जरूरी काम है। अच्छा, तो मैंने भी भोले भाव से उसको पूछा था कि क्या काम है, तो पता है उसने क्या कहा? हाँ। उनका ही काम है, उनको ही बताऊंगी। कौन है ये अप्सरा? मैं अंदर जाती हूँ और फिर है ना, आप आराम से फोन करके उसको पूछना कि क्या जरूरी काम है। इतरा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तेरा सामने फोन लगाता हूँ अभी। डफोड़ शकुंतली, शकुंतली शक करने वाली चिबावली। अरे भाई तूने ही बोला ना कि इसमें उसका फोन आया था तो उसका नंबर इसमें आ गया ना, वही नंबर पे मैं ये हरा बटन दबाऊंगा तो उसको लग जाएगा ना। हाँ ठीक है, लगाइए नंबर, स्पीकर पर रखना। हाँ भाई। हेलो। हाँ मैं जेठालाल बोल रहा हूँ, आप कौन? ओह हाय जेठा जी, मैं अप्सरा बोल रही हूँ। अरे कौन अप्सरा भाई, मैं नहीं जानता आपको। ये आप कैसी बात कर रहे हो जेठा जी, आपका और हमारा तो 7 साल पुराना रिश्ता है और आप कह रहे हो कि आप मुझे जानते ही नहीं? मैं सच में नहीं जानता। अरे एक मिनट, ये क्या बोल रही है आप, 7 साल पुराना रिश्ता, क्या बात कर रही है आप ये? अरे मेन बात तो मैंने कही नहीं जेठा जी, हमारे ये 7 साल पुराने रिश्ते की वजह से आपकी एक अमानत हमारे पास पड़ी है, वही देने के लिए मैंने फोन किया है। देखिए वो अमानत मेरी नहीं हो सकती। अरे जेठा जी वो अमानत आपकी ही है। अरे दया, तेरी कसम टप्पू के अलावा कहीं भी किसी के पास मेरी और कोई अमानत नहीं है। मेरी को नहीं है, सच में नहीं है कोई अमानत। अरे जेठा जी मैं अपना सपना बैंक से अप्सरा बोल रही हूँ। वो आपका हमारे बैंक में जो 7 साल से अकाउंट है, मैं उस रिश्ते की बात कर रही हूँ। बैंक से फोन है, 7 साल से अकाउंट है ना उनके बैंक में, खाते में, वो रिश्ते की बात कर रहे हैं, सुना ना? तो अमानत क्या है? अमानत क्या है फिर? वो अमानत है गोल्ड क्रेडिट कार्ड। वो क्या है ना, इन 7 सालों में आपने जब भी बैंक से क्रेडिट पे पैसे लिए हैं, हमेशा ड्यू डेट से पहले ही वो पैसे वापस किए हैं। इसीलिए बैंक ने आपको गोल्ड क्रेडिट कार्ड देने का फैसला किया है। समझे? अमानत मतलब क्रेडिट कार्ड, गोल्ड क्रेडिट कार्ड। अच्छा तो जेठा जी,
आप एक कार्ड ब्रांच से कलेक्ट कर लोगे या फिर घर पे भिजवा दूं? नहीं नहीं, घर पे भिजवा दीजिए आप। और सुनिए, आइंदा फोन करो ना तो मेहरबानी करके सीधे मुद्दे पे आना। हाँ, ऐसे हो, 7 साल पुराना रिश्ता है ना, आपकी अमानत हमारे पास है ना, ऐसी मोहब्बम बात मत करना। हा? या आपकी बातों से पता है मेरी बीवी न जाने क्या समझ बैठी। सॉरी सॉरी जेठा जी, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, लेकिन आप रिश्ता मत तोड़ना, रिश्ता बनाए रखना। अरे हाँ हाँ, आओ आ भैया। अरे वो अकाउंट बंद मत कर देना, ऐसे बोल रही है। अभी रिक्शा में टुकड़ा हूँ, सॉरी। अरे क्या सॉरी,